मिसाल के तौर पर जब बच्चा कोई पैदा होता है, नजरे बद से बचाने के लिए या किसी और बुराई से बचाने के लिए उसके माथे पर काला निशान, उसके हाथों में काला धागा, उसके गले में काला धागा, ये क्या है? ये तवहुम है, ये ख्याल है आपका। इस काले धागे से क्या होगा, इस माथे पर काला निशान लगाने से क्या होगा? हाँ, अमल बताया, नजरे बद से बचाना है, अमल बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह फलक, सूरह नास पढ़ो। नजरे बद से बचाना है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और मसनून दुआएं बताई हैं, वज़ाइफ बताएं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे बद से बचने के लिए, इस बुराई से हिफाजत के लिए अगर कोई अमल न दिया हो तो फिर आप करें। यहाँ लोग बहुत इफरात और तफरीत में मुबतला है। कुछ लोग तो सर से इनकार कर दे, नहीं ये कुछ नहीं होता इससे, ये भी गलत है। इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलाइनु हक्कुन, नजरे बद का लगना तो यकीनी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अमल बतलाया है। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों को नजर हो गई प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को कलिमात बतलाए, आपने उन कलिमात को पढ़ा और पढ़कर उन्हें धमकिया, वो ठीक हो गए। और इन तमाम चीजों के लिए सबसे मुअस्सर और बेहतरीन अमल सूरह फलक सूरह नास है, ये पढ़ा करें, ये पढ़कर आप दम करें बच्चों को। और आउज़ बि कलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, आउज़ बि कलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैयुन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। जो सुबह को ये कलिमात तीन मरतबा पढ़ लेता है, शाम तक कोई शय उसे जरर नहीं पहुंचाती। शाम को पढ़ लेता है, सुबह तक कोई शय उसको जरर नहीं पहुंचाती। क्या ये कोई कम अमल है? हम क्यों किसी और की तरफ जाएं? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई अमल नहीं दिया इस मौके का? दिया है। जब दिया है तो फिर हम क्यों इन तमाम चीजों की तरफ जाते हैं जहां से हमारे नजरियात, हमारे अकायद खराब होते हैं? तो इसलिए इस किस्म के तवहमात न करें। बच्चों के माथों पर काला निशान और उनकी जनाब बाजुओं पर काले धागे, गले में काले धागे, पाँव में काले धागे न बांधे। जो आमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं उन आमाल को इख्तियार फरमाएं।